नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर वन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके कुल भार का आधे से भी कुछ अधिक भार होता है। आंसर सी, द्रवों का। क्वेश्चन टू, शरीर के द्रव में समावेश इलेक्ट्रोलाइट हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन थ्री, अधिक मात्रा में पसीना निकलने पर मानव शरीर में हो सकता है। आंसर ए, द्रव की हानि। क्वेश्चन फोर, यदि रोगी निर्जलीकरण से पीड़ित है तो उसकी त्वचा में चुटकी काटने पर उसकी त्वचा सामान्य अवस्था में लौटती है। आंसर बी, धीरे धीरे। क्वेश्चन फाइव, रोगी को प्यास अधिक लगना, मूत्र का उत्पादन कम होना तथा मूत्र गहरे रंग और सांद्रित होना आदि लक्षण हो सकते हैं। आंसर सी, निर्जलीकरण के। क्वेश्चन सिक्स, एक बीमार व्यक्ति के शरीर में द्रव की मात्रा अधिक के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है। आंसर ए, हाइपरवोलेमिया। क्वेश्चन सेवन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाना सामान्य बात है। आंसर सी, मूत्र विसर्जन के द्वारा। क्वेश्चन एट, गंभीर समस्याओं से पीड़ित रोगियों के शरीर से सही मात्रा में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करने के लिए उन्हें सेवन करना चाहिए। आंसर बी, द्रव पदार्थों का। क्वेश्चन नाइन, एल्कोहल और कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन करने से। आंसर सी, मूत्र अधिक आता है। क्वेश्चन टेन, इंडवेलिंग कैथेटर लगे रोगी के मूत्र मार्ग में संक्रमण से बचाने हेतु प्रतिदिन कम से कम कितना द्रव पिलाना चाहिए। आंसर बी, 3 लीटर। क्वेश्चन 11, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में प्रायः मल विसर्जन कर सकता है। आंसर सी, 1 से 3 बार तक। क्वेश्चन 12, जब कई बार अधिक जल की मात्रा के साथ विष्ठा का उत्सर्जन होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है। आंसर ए, दस्त। क्वेश्चन 13, कब्ज को ठीक करने के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं। आंसर सी, गर्म पेय और फलों के रस। क्वेश्चन 15, मानव शरीर में तरल की अत्यधिक मात्रा होने का लक्षण। आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने वाले रोगी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आंसर सी, मूत्र त्याग पर। क्वेश्चन 17, शरीर के तरल अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने वाला तंत्र निष्क्रिय हो सकता है। आंसर ए, वृक्क रोगों में। क्वेश्चन 19, सिगेला और साल्मोनेला नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। आंसर बी, दस्त। क्वेश्चन 20, एनीमा वह विलिमय है जिसे मलाशय के अंदर डालने पर यह फुला देता है। ए, बृहदान्त्र को।